इसमें हमने आलू लिए हैं 1.5 किलो मैंने, और इसको मैंने कद्दूकश करके इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से इसका पानी हुशा कर लिया है। इसमें कद्दूकश करना है इसको, और इसका मैंने अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से इसका पानी हुशा कर लिया है। इसके बाद हमने नमक लिया है मैंने, ये 1.5 किलो आलू है, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक का डाला है, 2 टीस्पून मिर्चों के हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून सूखा धनिया भुना कुटा हुआ, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। इस मैंने हरी मिर्चें ली है 10 से 12, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है, आधी गठी धनिए की है, आधी गठी पुदीने की है, इसको मैंने बारीक बारीक काट के अच्छी तरह से सारी चीज़ें धो ली हैं। अनारदाना है, इसको भी मैंने धो लिया है, ये 2 टेबल स्पून है अनारदाना, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, और मैंने 1 प्याज लिया है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, और 2 अंडे चाहिए हमें, अंडे भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है, पहले ये हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल देने हैं, प्याज इसके अंदर डाल दिया, ये सारी चीजें इसके अंदर डाल देनी है, ये भी इसके अंदर डाल दें, इसके बाद इसके अंदर हम अंडे डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे, 1, 2, 3 3 टेबल स्पून मैंने मैदे के डाल दिए हैं, 1, 2 और 3 मैंने टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं। आप इसको मिक्स कर लें, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप इसमें और डाल दें, अगर इसी में सही रहता है तो फिर इतना ही ठीक है। अब हम इसको हाथों के ज़रिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मुझे कॉर्नफ्लोर और मैदा कम लग रहा है, इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा और पड़ेगा। एक चम्मच, ये 2 चम्मच मैंने मैदे के और डाल दिए हैं, 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए, तकरीबन 5 चम्मच मैंने इसमें मैदे के और 5 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं। आप अपने मटेरियल के हिसाब से, जितना आप का मटेरियल है आप उस हिसाब से ये चीज़ें डाल दें। ये बहुत अच्छे बनते हैं आलू के चपली कबाब, आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करें।
मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान रेसिपी बताऊं ताकि जल्दी बन जाए और सब इसको बनाएं। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम दो टमाटर ले लेंगे, उसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे और हम इसको फ्राई करते हैं। ये हमने टमाटर भी इस तरह गोल स्लाइस में काट लिए। इस तरीके से मैंने तीन टमाटर लिए हैं, इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। अब हम ये लेंगे कबाब ऐसे, इसमें हम टमाटर लगाएंगे इस तरह करके और हम इसको इस तरीके से हम इसको सॉस पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ये हमारा घी भी गर्म हो गया है, ये हम इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से। अब फिर हम दूसरा बनाएंगे, इसमें भी हम इतना टमाटर लगा देंगे और इसको भी हम सॉस पैन में डाल देंगे। इस तरह से हम सारे बनाते जाएंगे। इस तरीके से हम सारे बनाते जाएंगे और इसको हम सॉस पैन में डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम ये सारे मटेरियल का हम इस तरीके से कबाब बनाएंगे। अब मैं ये सारे कबाब बनाकर फिर मैं आपको कट्ठे दिखाती हूँ। ये देखिए, जब इस तरीके से एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड इसको पलट दें। इस तरीके से आप दूसरी साइड पलट दें, एक साइड से जब हो जाए तो इसकी दूसरी साइड को पलट के तो नीचे से भी इसको पकने दें। ये हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी तैयार है। आलूओं के चपली कबाब बनके तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, आप खुद देखिए कितने मज़े के बने हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ये हमारी डिशेस को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि किस तरह की वीडियो बनी है, किस तरह की डिशेज़ बनी है आप लोगों की। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।